So hello everyone, this is Mayank here and welcome to the new series of our channel जिसके अंदर हम लोग आपके साथ कुछ real experience आपके साथ share कर रहे होंगे, जहाँ पे एक आपके senior भैया या दीदी आ रहे होंगे और अपने experience को आपके साथ मिलके share कर रहे होंगे और आप वो जिन phase से गुजरे हैं आपके doubts को real time problem में solve करके बताएंगे आपको और आपको जो भी doubts आएगी आप उनके साथ clear कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही आज हम अपने सबसे पहले गेस्ट अमन शुक्ला जी को बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूंगा कि पहले आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए अभी कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए जिसके अंदर आप अपने कुछ एकेडमिक बैकग्राउंड्स को कैसे आपने बोर्ड्स के अंदर 95%+ स्कोर करा तो वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू मयंक, बहुत बहुत थैंक यू और आपके चैनल को भी बहुत थैंक यू दैट मुझे आप लोगों ने ये चांस दिया कि मैं आपके चैनल पे आके आपके लोगों को कुछ बता सकूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं ट्वेल्थ को लेकर और जेई और मेंस को कैसे साथ साथ मैनेज करें ये काफी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो माय नेम इज अमन शुक्ला। मैंने अपना जो 10th और 12th है दोनों अपने होम टाउन बस्तर डिस्ट्रिक्ट से किया है। 10th में बेसिकली 92% मार्क्स रहे और 12th में 95 आ गए। नेक्स्ट एट द सेम टाइम विद द 12th आई हैव क्वालिफाइड द जेई मेंस एग्जामिनेशन। सो ये मेरा थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है एंड विद दैट मैंने बहुत सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया एज जैसे डिबेट कंपटीशन, स्पीच राइटिंग कंपटीशन, स्पीच ओके दीज ऑल द कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया। सो दीज आर माय एकेडमिक बैकग्राउंड और आज मैं अभी कॉलेज में हूँ SSB UICT। जो मैंग सर आपके बैठे हुए हैं वो मेरे ही क्लासमेट हैं, हमारे बैचमेट हैं और MBA में सर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में और मैं केमिकल में। तो सर तो जैसा कि चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन मोटिव है। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके साथ जो बच्चे होते हैं बहुत डाउट होता है उनको कि अपने बोर्ड सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, यानी कि कंप्लीट तो बच्चे कर लेते हैं बट कैसे उस कम्प्लीट सिलेबस का रिविजन करना और प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के उसके अंदर बेटर परफॉर्म करना, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट जब हम साल भर पढ़ाई कर लेते हैं चाहे वो हम जैसे तैयारी भी साथ साथ करते रहते हैं कंपटीशन की और साथ साथ हमें ध्यान बोर्ड पर भी देना होता है और कहीं ना कहीं बोर्ड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हालांकि 75% क्राइटेरिया हट गया है जेई में से लेकिन फिर भी आज कई कॉलेजेस हैं जो इसी बेस पे एडमिशन लेते हैं। हालांकि चलो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं लेते हैं बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं तो 12th के मार्क्स पे ही एडमिशन लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप पूरे साल जेई मेंस या जेई एडवांस किसी का भी सिलेबस पढ़ते हैं चाहे नेट का सिलेबस पढ़ते हैं तो 12th का सिलेबस साथ साथ आप पढ़ते ही रहते हैं चाहे कोई भी चैप्टर हो। जो चैप्टर 12th में है वो आपके कॉम्पिटिशन में आना ही आना है तो आपने सिलेबस तो कम्प्लीट कर ही लिया, अप टू 12th आपने पूरा सिलेबस कम्प्लीट कर ही लिया। अगर आपका जेई मेंस आपका समझ लीजिए जनवरी में हो रहा है, If your JMains is in January, तो आपने अगर पहला JMains अपना दे लिया फिर भी आपके पास एक महीने बचते हैं so that you could prepare for your board examination. उन एक महीने को आप utilize सही ढंग से कैसे करें? First thing is that कि आपने already syllabus पढ़ रखा है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना तो है नहीं कि आपको कुछ नया सीखना है, आपने सब सीखा हुआ है ढंग से। आपको ध्यान देना है इन द प्रॉब्लम प्रैक्टिस बिकॉज आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन को नहीं हाथ लगाया है जो जेई मेंस में तो आते हैं जो आपको मालूम है लेकिन आपने बोर्ड की राइटिंग्स नहीं रखी हैं, आपको थ्योरीज नहीं मालूम है बहुत सारी, आपको पेपर पैटर्न नहीं मालूम है। तो क्या फोकस होना चाहिए कि लास्ट के 10 दिन या 20 दिन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए कि आपको पढ़ना कुछ नहीं है केवल पेपर सॉल्व करना है। जितने से ज्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा और जितना आप पेपर सॉल्व करेंगे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपको पैटर्न मालूम चलेगा आप लिखेंगे कैसे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं कहूंगा बोर्ड में अगर मार्क्स अटेंड करने हैं तो राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। पैराग्राफ आप लिखते चले जाओगे आई थिंक इट डजंट मैटर, आपको एक सिंपल पॉइंट वाइज आंसर लिखने होंगे, एग्जांपल्स लिखने होंगे, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है डायग्राम बनाना होगा। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ एक अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया व्यूवर्स को, जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजी स्ट्रीम भी है और मैथ स्ट्रीम भी है, तो उनको बेसिकली ध्यान देना होगा कि आपने जो चीजें नहीं करी है जेई की प्रिपरेशन की वजह से, आपको अपने राइटिंग स्किल पे मेन फोकस करना होगा, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना प्रेफर करना पड़ेगा, या फिर आप अपने क्वेश्चन को और बेटर वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जामिनर के सामने, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन में, और वो आपको एक अलग ही एज देता है सारे बच्चों से। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया उसे रिविजन करने का तरीका। अब जैसे कि जो अपने हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे आप भी समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम अभी ऑनलाइन हो गया है हमारा, और उसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन काफी बूम करा है स्टूडेंट्स के लिए, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें अभी बोर्ड्स देना है, जेई देना है, नीट देना है, वो कैसे अपना बेस्ट रेलिवेंट सोर्स खोजे, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी सोर्सेस हैं जहाँ पे रेलिवेंसी नहीं होती है, पढ़ाते वो बहुत अच्छा है बट रेलिवेंट कंटेंट, वेरीफाइड कंटेंट वो प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो कैसे वो कहाँ से प्रैक्टिस करे और किस सोर्स से वो अच्छे से पढ़े, तो इस पे कुछ अपनी बातें बताइए। ओके, ये क्वेश्चन तो सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज स्टूडेंट आर स्टिल कंफ्यूज कि उन्हें ऑफलाइन जाना चाहिए या ऑनलाइन जाना चाहिए। अगर कोरोना का टाइम नहीं भी होता तो भी मैं सजेस्ट करता कि ऑनलाइन आप पढ़ो, अगर कोरोना नहीं भी होता तो भी मैं सजेस्ट करता ऑनलाइन। हालांकि इफ देयर इज कोरोना हियर तो वैसे भी सब कुछ बंद है, मजबूरी हमारी कि हमारे पास एक ही सोर्स है ऑनलाइन सोर्स। अब ऑनलाइन में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पे इररिलेवेंट चीजें पढ़ाई जाती हैं, कुछ तो ऐसी जगह हैं जो केवल और केवल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लोगों को और बाद में पढ़ाते नहीं है। अभी मैंग सर ही जो आप चैनल चढ़ा रहे हैं क्रैक जेई एंड नीट, मैंने उसके वीडियोस देखे, उसमें बहुत ही अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, सब नोट्स हैं प्रॉपर। अगर मैं स्टूडेंट्स को बताऊं कि सर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, एक प्रॉपर नोट्स भी देते हैं, आप लेक्चर देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सर के यूट्यूब चैनल पे हैं और इनकी वेबसाइट भी है, तो इस तरीके के बहुत से कम चैनल है ऑल ओवर इंडिया। सो आई विल से कि हमें ऑनलाइन सोर्स की तरफ जाना चाहिए। ऑनलाइन सोर्स के कुछ फायदे भी हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप कम से कम पैसे में इसे पालेंगे, जो चीज आप कोटा दिल्ली या कहीं अच्छी शहर में जाके यू आर स्पेंडिंग 2.5 लाख 3 लाख रुपीस पर ईयर, उसे आप 50,000 10,000 20,000 में भी पालेंगे। सेम कंटेंट सेम थिंग है, सेम टीचर पढ़ा रहा है और सेम सीट सेम डाउट सब कुछ है भाई। सो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे हु आर लेस फाइनेंशियली डिपेंडेंट मीन्स दे आर पुअर लिटिल बिट, सो वो भी सेम कंटेंट ले लेंगे, तो ये पहला फायदा हुआ। दूसरा आई विल थिंक दैट ये टाइम कंज्यूमिंग है। आज हम जो चीज कहीं पर बाहर जाके पढ़ते थे तो हमें आने जाना, फिर आना खाना बनाना, खाना खाना, बहुत सारे काम भी होते थे। आई विल से दैट ऑनलाइन में आप घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से वो सारी चीजें पढ़ सकते हो। सो आई विल सजेस्ट कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेटर है। अब आपको चुनना क्या है, ऑनलाइन में भी कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अभी सर के चैनल पे हैं तो सर ये आप सभी को बता दें कि सर का चैनल भी वन ऑफ द वेरीफाइड है, इसमें सारी चीजें आ रही हैं। सो वी शुड फोकस अबाउट द कंटेंट, किसी आप एक टीचर को पकड़ लो, आप उसी के साथ मेहनत करो एंड यू विल गेट सक्सेस। बिल्कुल, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर आपको सक्सेस लेनी है तो आपको अपने टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा, और भरोसा इन द सेंस कि अगर आपने बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा तो आपको टफ क्वेश्चंस कराना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आप टफ क्वेश्चन ना करा के बच्चों की आप क्लियरिटी पे ध्यान दें, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, बच्चों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें कि वो पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट होती है जिसके अंदर शायद सबको ये चीज माननी चाहिए, और हमारे जैसे चैनल पे अगर आप आते हैं तो आपको फ्री में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है कि आप अपने आप को देख पाए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, आपके लिए स्टडी मटेरियल्स बनाए गए हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट है उनके अंदर कि आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्विजेस लगा सकते हैं जो टाइम टू टाइम हमारे मेंटर्स वहां पे क्रिएट करते रहते हैं, तो आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा, आपको उसका एक अलग ही फायदा, आपको उसका एक बेनिफिट लेने का मौका मिलेगा। तो इस चीज को मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स लें, और जैसा कि बताया सर ने कि काफी वेरीफाइड हमारा कंटेंट है, तो हमारा आप जानते भी है हमारा प्लेटफॉर्म कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से वेरीफाइड है, तो वहां पे हम उसके साथ डायरेक्ट हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और जो भी हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है जो हमने अभी 1 फरवरी में कंटेंट कराया था, तो उसके अंदर 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपियर करा था ऑल ओवर इंडिया, जिसके अंदर आपके फिटजी और आकाश जैसे इंस्टीट्यूट के भी बच्चे ने अप्लाई करा था।
तो वो होता है फायदा कि आप किसी वेरीफाइड कंटेंट के साथ जुड़ते हैं, तो ये आपके साथ फायदा होता है। तो आप जरूर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए सर, हम अपने थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाते हैं जो शायद एक टीनेज की एज में सबको दिक्कत होती है इस चीज की। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि फ्रेंड्स वर्सेस कैरियर, उन्हें क्या चूज करने चाहिए अपनी टीनेज के अंदर? आई थिंक मयंक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज मैं भी कहूंगा हम सभी टीन एज में ही है लगभग। सो हम लोग के अंदर भी ये होता है कि फ्रेंड्स चुने या करियर चुने। समटाइम फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, समटाइम करियर इंपॉर्टेंट लगता है, बट आई विल से फ्रेंड्स भी अच्छे होते हैं और करियर तो हमेशा ही अच्छा होता है। नाउ डिपेंड दैट विच टाइप ऑफ फ्रेंड यू आर चूजिंग। ओके, वो फ्रेंड्स भी अगर टोटली करियर को अपना फोकस मानते हैं तो फ्रेंड्स चुनने में कोई बुराई नहीं। योर मीन्स कह सकते हैं हम कि सिंपल की सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। जैसे कि जेई मेंस का पेपर होता है तो हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, हमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने होते हैं। सेम टू सेम हमें कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड ही चुनने होते हैं, उन्हीं फ्रेंड्स को चुनना चाहिए हमें विच आर टोटली डेडिकेटेड एज यू आर। जैसे आप डेडिकेटेड हो अपनी स्टडीज को लेकर, जैसे आप डेडिकेटेड हो कि आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, सिंपल अगर वैसा फ्रेंड आपको मिल रहा है तो आई विल से उसे आप ले लो, बिकॉज दैट इज गॉड फॉर यू। बिकॉज अगर वो आपको सेम टू सेम वही क्रिएट करके दे रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेटर होने वाला है। और करियर तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू हैव अ गुड करियर देन यू विल हैव अ गुड फ्रेंड, बिकॉज गुड करियर के साथ ही गुड फ्रेंड्स आते हैं। और अगर फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो आपका करियर भी अच्छा होगा, तो टोटली दोनों इंटरडिपेंडेंट है। बट आप ट्राई करो कि आप अच्छे फ्रेंड्स चूज करो, अदरवाइज अलोन रहो तो भी ठीक। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी ये कि मतलब आपकी चाहे लाइफ हो या फिर आपकी एकेडमिक्स हो, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा अपने चीजों को लेके, आपको अपने फ्यूचर को लेके, आपको आपके कैरियर को लेके। आपकी अभी की दो साल की मस्ती आने वाले फ्यूचर को आपको बर्बाद कर सकती है। तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड ये भी करना होगा कि व्हाट आई एम डूइंग टुडे विल इट बी बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर और नॉट, एक चीज को ये सोच के। और आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा लाइफ में आप, और सबसे बड़ी बात आपको एक होती है स्टूडेंट्स के अंदर, वो ना नहीं बोल पाते हैं दोस्तों को। अगर उनसे कोई कुछ बोल रहा है तो आप ना बोलने में लोग बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। लोग आप यस बोलने से सबको टफ लगता है ना बोलना, तो आप ना बोलना सीखे किस किसी चीजों में जहाँ पे आपकी करियर रिलेटेड बातें ना हो। वैसे आप सेलेक्टिव रहेंगे तो आप खुद से ही काफी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। So, एक हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। So, आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थी 11th और 12th क्लास के टाइम पे, और जो स्टूडेंट्स भी फेस करते हैं तो उसे कैसे बच सकते हैं, तो ये चीजें का बार आप उनसे डिस्कस कर लीजिए। तो जैसे मेरा 11th 12th क्लास था, वैसे ही सभी का होता है, टीनेज होती है तो बहुत सारे मस्ती से होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इन द 11th एंड 12th क्लास बच्चे जितना फोकस 10th स्टैंडर्ड तक रहते हैं, आई थिंक 11th 12th में उतना नीचे हो जाते हैं। कुछ बच्चे जिन्हें तो अपना करियर बनाना होता है वो तो टोटली डेडिकेटेड हो जाते हैं 11th 12th से। आई हैव सीन द स्टूडेंट इन द कोटा जिनके पेरेंट्स जब उनसे साल भर में एक बार भी मिलने आते थे तब भी वो रिफ्यूज कर देते थे कि पापा मत आइए, या आए हुए हैं तो जाइए घूम लीजिए कोटा, रूम में बैठेंगे तो मुझे शायद डिस्ट्रेक्शन हो सकता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं कोटा में जो 11th 12th में जाते हैं केवल घूमते रहते हैं। तो दोनों तरीके के बच्चे हैं, दोनों 11th क्लास में है, लेकिन दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है और दोनों का करियर अलग बनने वाला है। तो सिंपल ऐसे ही होता है क्लासेस में भी हर बच्चा एक ही टीचर से पढ़ता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन दोनों लोगों का माइंडसेट अलग होता है। किसी का फोकस किसी चीज पे होता है, किसी का दूसरी चीज पे होता है। बट रियलाइज तब होता है जब 12th के बाद उन्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। और कॉलेज लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ इन द वर्ल्ड। If you are doing better in the college life, you are going very far, means you are going to get very high summit of the success. लेकिन अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, आप कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप कर सकते हो, लेकिन आपके लिए टफ होने वाला है। सो आई विल से 11th 12th में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं। पहली बात तो सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्शन, बच्चे बोलते हैं कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हमारे लिए है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अच्छी चीज है और सोशल मीडिया पे बेकार चीज भी है। आप किसी भी YouTube चैनल पे पढ़ाई ही कर रहे हो तो आप देखते होंगे बहुत सारे कमेंट्स आते होंगे जो वो स्टडी वाले मटेरियल को भी उल्टा सीधा बोलते हैं। तो वो तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे तो पढ़ाई जा रही है, फिर भी वहां पे गलत कमेंट्स आते हैं। सो क्या होना है, मैंने बताया पहले कि सेलेक्टिव होना पड़ेगा, हमें वही चीज सिलेक्ट करनी है दैट इज गुड फॉर अस।
और हमें वो चीज तुरंत नेग्लेक्ट कर देनी है दैट यू आर सीइंग दैट ये आपके करियर को हार्म कर सकता है, आपको छोड़ देना है कोई भी चीज हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे आपका एनवायरमेंट हो, कोई भी चीज हो. सो आई विल से कि फोकस कीजिए आप करियर पे. बिल्कुल, काफी अच्छा आपने बताया कि आपको आपकी माइंडसेट को बदलना होगा और आप आपके आपके अपने ऊपर सोच के ऊपर है कि आप सोशल मीडिया का यूज कैसे करते हैं. उसमें काफी सारी अच्छी कंटेंट्स है. अगर आप जैसे यूट्यूब पे ही आते हैं, अगर आप यूट्यूब पे आकर सिर्फ अपनी पढ़ाई की चीजें कर रहे हैं और आप फिर चले जा रहे हो तो ये कोई एक बहुत खराब चीज नहीं है, काफी अच्छी चीज है. इसमें आपका टाइम कंज्यूम कम होता है, आपको ट्रैवल नहीं करना है कहीं आपके घर से बाहर, और फिलहाल कोरोना के टाइम पे तो आप सबको घर पे रह के और सुरक्षित रहना है कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा घर पे रहे और अपने सारे फैमिलीज को भी सुरक्षित रखें. तो जैसा कि आप लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग माइंड अप करते हैं और कुछ एक आउट ऑफ द स्क्रिप्ट के साथ हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपकी कोई एक फनीएस्ट मेमोरी जो आपने प्लस टू के स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में जो आपने फेस करी हो, तो आपकी कोई आउट ऑफ द स्क्रिप्ट जो बच्चों को शायद पसंद आएगी आपकी कुछ फनीएस्ट मेमोरी. क्या हुआ कि बेसिकली 11th 12th में तो ज्यादा मस्ती कर नहीं पाए बिकॉज फोकस करना था कुछ बनने पे, बट वेन वी केम टू द कॉलेज, कॉलेज का मुंह हमने देखा ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ. तो ऑनलाइन क्लासेस में जैसे कि होता है कि टीचर पूरी बेल पढ़ाता रहता है और जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो सब शांत, टोटली कोई आंसर नहीं आ रहा है. इवन अटेंडेंस के टाइम भी लोग बोलते हुए शर्माते हैं. अभी कुछ दिनों पहले एक टीचर पढ़ा रहे थे, तो क्या होता है कि कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि कौन, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पता नहीं चलता क्योंकि कुछ बच्चे तो कैमरा ही ऑफ करते हैं, यानी सभी लगभग किए ही होते हैं. तो क्या होता है कभी कभी सब सेम ही नेम से आ जाते हैं, यानी जैसे मेरा नाम अमन शुक्ला, तो सारे 20 बच्चे हैं सब अमन शुक्ला अमन शुक्ला, तो टीचर कैसे पहचानेगा कौन अमन शुक्ला है, और सबने गाना गा लिया या बीच में कोई माइक ऑन करके कुछ बोल दिया तो पहचान में नहीं आता है. तो ऐसा ही इंसिडेंट होता रहता है हमारे यहाँ पे, बीच बीच में कोई कुछ भी बक देते हैं लोग, जिससे क्लास तो खुश होती है बट टीचर नाराज हो जाते हैं. आई विल से आप लोग इसे रिफ्यूज करें. और बहुत सारे इंटरेस्टिंग, आप लोग तो खुद 11th 12th में होंगे, ड्रॉपर्स होंगे, बहुत सारे बच्चे सर के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आप लोगों ने तो खूब मजे लिए ही होंगे क्लास में और ले भी रहे होंगे. बट आई विल से कि 11th 12th वाले बच्चे या जो ड्रॉपर हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं आईटी जेई के लिए, वो थोड़े दिनों के लिए शांत हो जाए. आप जब कॉलेज में आइएगा तो श्योर है कॉलेज होते ही है फन मोमेंट, तो आप कर सकते हैं. बट 11th 12th के लिए यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट टू योर स्टडीज. आप हैप्पी होकर पढ़ाई कीजिए, ओके, पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करेंगे, यू विल गेट अ गुड कॉलेज, उसके बाद आप फनी फन करो. बिल्कुल, आपको फन करना है तो आप एक नॉर्मल वे पे कीजिए, और आपको अपने एम के प्रति, आपके गोल के प्रति आपको फोकस रहना होगा. और ऐसी चीजें करने से मैं भी आपको रोकूंगा कि ऐसी चीजें आप ना करें. अगर आप ऐसे आपके ऑनलाइन क्लास में 11th 12th अगर आप करते हैं तो ऐसे ना करें, क्योंकि इससे आपकी एक होती है टीचर को आप नाराज हो सकते हैं आपसे. तो चलिए आज का वीडियो यही था, लेकिन आपके लिए एक और सरप्राइज है. आपके अमन भैया आपको हमारे चैनल पे दिखेंगे आपको मैथ्स पढ़ाते हुए, और अब आपकी सारी मैथ्स की जिम्मेदारी अब आपकी अमन भैया की होगी और वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है. तो आप सब भी उनके साथ काफी ज्यादा अटैच फील करेंगे. सो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. सो हम लोग फिर से मिलते हैं. जय हिंद.